बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सियावत रामचंद्र की जय। जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहें, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। तो गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर महलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलुनाई, गुरु समीप गवने दुआई। राम का सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत चलनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। तो सुमन पाए मोने पूजा की, पुने लसी से दो भाई नदीनी। सुफाला मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। तो कारे भोजानो मोने बरवे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। बेगाता देवासो गोरो आया सुपाई, संध्या करन चले दोहुआई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। तो प्राची देशे सुहावा, सारे सदे के सुख पावा। बहुरे बेचारों की न मन माही, सियवदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। तो जन्म से बने बंधु विशो दिन मलिन सकलंक, रामा दिन मलिन सकलंक, सिया मुख समुता पाव के मो चंद्र वापुरो रंक। सिया भते राम चंद्र पद जय शरणम सीता, जय जय सिया राम। सारे समुद्र में तो इतना जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विशेष का भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाए बढ़ाए वे रहने दुख दाई, रसे राहो ने जसंथे पाई। को कसो का प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राव अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैरे ही मुख पट तर दीने,
चित कीने। सियामो कचावे वेदो व्याज वकानी, गुरु पै चले निजावड़ जानी। अतः जानकी जी की मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कार्य मोने चारा ना सारो जय प्रणामा, आय सुपाए की न विश्रामा। विगत निसार भुनायक जागे, बंधु बिलोके कहनास लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओया ओ अरो ना आवालो कहूं ताता, पंकज को कगलो का सुख दाता। बोले लखनो जोरे जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अनुरोध हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अनुरोधाया माता को चे को मोदे ओड़ा गना जोते मलीन, रामा ओड़ा गना जोते मलीन। जेमे तुम्हार आगमन सुने भये नृपय बलहीन, सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अनुरोध होने से कुमुदनी सपसा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नापसा बना खाता करा ही उजियारी, टार न सकहे चाप तम वारी। कमल को कमधो कर खगनाना, हर से सकल निसावजाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी मान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भोरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो। यहाँ टूटे धनुष सुगारे, ओयाओ वानो बेनो श्रम तमनादा। दुरे नखत जगते जो प्रकादा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर खुशी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। तो रावे ने जा ओदाया व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भोज वाला महिमा ओदगाटी, प्रकटी धनु बेगटन परे पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखला दिया है।
आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंदो बचाना सोने प्रभु सकाने ओई सोचे सहज पुनीत नाने नित्य क्रिया करे गुरु पहे आए चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच के निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके हुए गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तो सतानंदो तब जन का भुलाए कौसे कमोने पहे तो रत पटाए जन का बिनाया ते न आए सुनाई हर से बोले लिए दो तब जानकी जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनी। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तो सतानंद पदवंद प्रभु बैठे गुरु पै जाए रामा बैठे गुरु पै जाए चलहु तात मुन कहूं तब पटवा जनक बुलाए दिया बद राम चंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि तात चलो जनक जी ने बुलावा भेजा है। तो सिया स्वयं बारो देखे जाई सुकाहे दो दे बड़ाई लखन का जसवाजनु सोई नाथ कृपा तब जा पर चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बधाई बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि जावा सोने बरवानी दीने अजीज सबाए सुखमानी पुने मोने ब्रंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मगजाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। तो मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। तरंग भूमि आए दो आई असे सुध सब पुरवास न पाई चले सकल ग्रह काज विसारी बाल जुवान जरट नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए और ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम धाम को छोड़कर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी सोचे सेवक सब लिए अकारी तुरत सकल लोग न पै जाऊ आसन उचित देऊ सब काऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। तो कायम राजो वचन अभिनी ततने बैठा रे नर नार रामा बैठा रे नर नार उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज तल अनुहार सियावत राम चंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया।
राज कुमार ते अवसर आए मन मनोहर तातन चाए गुण सागर नागर वर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे उडगन मऊ जनु जुग विदूरे जिनके रही बाबुना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। तो देखें रूप महारन धीरा मनहु वीर रसुधरे जरीरा डरे कुटलन प्रभु हिने हारी मनहु बयान कबूर तिवारी। तो महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तो रहे असुर छल चोने पवे तेन प्रभु प्रकट काल समुदेगा पुरवासेन देखे उदो नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजा उनके वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। तो मंगल भावन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।